इन विच सिटिंग मेबर्स ऑफ पार्लियमेंट आर लेटेयरलीयर पार्टी एफिलेशन फॉर नहरो पोलिटिकल कंसिडरेशन इरतदाद इनराब दल बदली इस तरीका कार में पार्लियामान मंबरान या स्टेट लेजिसलेचर मम्बरान रजामंदी से अपनी वफादारी को हकीर यासी मकासद की खातिर तब्दील करते हैं क्योंकि इसका मकसद है कि मुंतखब शुदा नुमाइंदा पार्टी को जिसकी टिकट या इलेक्शन निशान पर उसने जीत दर्ज की थी को छोड़ देता है और दूसरी पार्टी में सियासी मकासद की खातिर शमूलियत अख्तियार कर लेता है नाइनटीन सिक्सटी सेवन के बाद से रद्द बदल दल बदली या इन्हर अपने जो रोल हुकूमतों को बनाने और बिगाड़ने में अदा किया उसे सियासत का रंग व रूप तब्दील हुआ नाइनटीन सिक्सटी सेवन के बाद कांग्रेस लेजिसलेचर्स को वफादारी तब्दील करने में नान कांग्रेसी हुकूमतें बनने में जो वाकात रोनमा हुए उससे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और हरियाणा में कांग्रेस के बजाय दूसरी पार्टियां इकतदार में आ गई डियर स्टूडेंट्स आया राम गया राम की कहावत यहां आया राम आया राम गया राम आया राम गया राम की कहावत लेजिस्लेचरों को जिस्लरों की दल बदली के लिहाज से में मशहूर हुई राम राम आया और राम गया हरियाणा के एम एल दिनों के अंदर अंदर तीन दफा कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में शमूलियत की उसने कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में शमूलियत अख्तियार की फिर वापस कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की और सिर्फ नौ घंटों के अंदर अंदर फिर से यूनाइटेड फ्रंट में शमूलियत अख्तियार की बाद में जब गया लाल ने फिर से यूनाइटेड फ्रंट को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए कांग्रेसी लीडर राव बरेंदर सिंह ने मजाया अंदाज में कहा गया राम अब आया राम था आया राम गया राम एक कहावत बल्कि जोक बन गया डिफेक्शन एक ऐसी खसूसियत बन गई जिसने हिंदुस्तान की सियासत को करप्ट किया 1977 1977-79, 1977 से 79 तक हिंदुस्तान की सियासत का सख्त वक़्त गुजरा जब आजाद हिंदुस्तान की पहली गैर कांग्रेसी सरकार जिसकी कयादत मुरारजी डेसाई कर रहा था को डिफेक्शन से इकदार से फारिग किया गया सेवनटी सिक्स ने दल बदली की इसे बेचैनी बढ़ गई एंटी डिफेक्शन कानून की जरूरत महसूस की गई और कानून बनाया गया डे स्टूडेंट्स फिफ्टी सेकेंड एमेंडमेंट 1985, एटी फाइव फिफ्टी सेकेंड के जरिए से एंटी डिफेक्शन कानून पास किया गया लेकिन उसमें ये गुंजाइश रखी गई कि ये मुमकिन या लीगल है तब ही जब वन फोर्थ पार्टी मम्बरान पार्टी को खैरबाद करेंगे 1985 में दसवां शेड्यूल फिफ्टी सेकेंडवी तरमीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पास हुआ कि डिफेक्शन की सूरत में लेजिस्लेचर्स को डिसक्वालीफाई किया जाएगा डेयर स्टूडेंट्स नाइन्टी फर्स्ट एमेंडमेंट टू थाउजेंड थ्री फर्स्ट तरमीम टू थाउजेंड थ्री के मुताबिक डिफेक्शन की सूरत में एक तो मेंबर मेंबरशिप खो देगा और मजीद अगर वो कोई पॉलिटिकल ऑफिस यानी सियासीदार हो उसे उस सियासी से भी डिसक्वालीफाई किया जाएगा उस सूरत हाल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला हतमी होगा पहले वन थर्ड मेंबरान की किसी सियासी पार्टी से दल बदली इंजमाम यानी जम होना मर्जर कहलाता था या कहा जाता था लेकिन नाइनटी फर्स्ट में तरमीम टू थाउजेंड थ्री ने उसे तब्दील किया अब कम से कम टू थर्ड पार्टी मेंबरान की दल बदली डिफेक्शन पार्टी छोड़ने को इंजमाम मर्जर होने की कानूनी जवाजियत बनती है इकॉनमी तरमीम में ये बात भी लाजिम कर दी है ये बात भी लाजिम कर दी गई है कि तमाम वो सियासी मेबरान जो दल बदली डिफेक्शन स्विचिंग पॉलिटिकल साइड करते हैं चाहे वो एक हो या ग्रुप हो को लेजिस्लेटिव मेंबरशिप से इस्तीफा देना होगा गोकि डिफेक्शन की सूरत में उन्हें अब नौ एलेक्ट होकर आना होगा सो डियर स्टूडेंट्स आज के मौजू के हवाले से यह इंफॉर्मेशन हमने शेयर की एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल भी इनशाला जुडिशरी वेट एंड वॉच असलैक